नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जैविक वाटिका पर। और आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, ख़ास है, क्योंकि आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने काम किया था उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये आप मेरा लेमन का प्लांट देख रहे हैं और लेमन भी देख रहे हैं, इस पर कितने आए हुए हैं अभी, लगभग 50 से ज़्यादा इस पर लेमन है, ये आप देख सकते हैं। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ दिन के बाद, क्योंकि अभी इस पे लेमन और ज़्यादा थे जो हमने इस पे से हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। तो अचानक से मेरे माइंड में आया, देखिए जैसे यहाँ पर भी लेमन थे तो हमने यहाँ से हार्वेस्ट कर चुके हैं, तो काफ़ी सारे लेमन हमने हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपना जो एक्सपीरियंस है अपने व्यूअर्स तक, जो हमारी फैमिली है यूट्यूब, उनको भी दिखाया जाए कि हमने जो मेहनत की थी और जो हमने इनको फीड किया था अच्छे से तरीके से, उसका क्या रिजल्ट है। तो ये आप मेरा लेमन का प्लांट देख रहे हैं और इसको लगे हुए मात्र अभी 1 साल हुआ है, ज़्यादा दिन इसको लगे हुए भी नहीं हुए हैं। तो ये 1 साल हुआ है और इस प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी है। और इसको मैंने लगाया हुआ है, ये प्लास्टिक का एक ड्रम है और इसका जो मतलब हाइट है वो लगभग 1.5 फीट के आसपास है और चौड़ाई इसकी 1.25 फीट है। तो इतनी बड़ा ये ड्रम है और इसमें मैंने इसको लगाया हुआ है और केवल नॉर्मल गार्डन सॉइल और जो गोबर की खाद होती है उससे ही ये मैंने लगाया था, तब डाली थी। और उसके बाद फिर इसमें बीच में एक बार मैंने और फीड किया था और वो सारा जो फीड किया था वो मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ। ये मैंने फीड किया था इसमें, जब बीच में इस पर फ्रूटिंग फ्लावरिंग आनी शुरू हुई थी तब मैंने फीड किया था। ये क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, पहले मैं आपको और बातें बताता हूँ। एक मैंने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि कैसे आप अपने नींबू के पौधे से हजारों नींबू पा सकते हैं, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और जो आई बटन है उसमें भी लगाऊंगा, एक बार उसको ज़रूर देखना आप, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मैंने वो वीडियो बनाई थी तो उसके बाद का रिजल्ट कैसा रहा। मैंने आपको बताया था कि हजारों फूल और फल आप कैसे लेमन के प्लांट से पा सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। ये देखिए जितने इस पर लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा हम हार्वेस्ट कर चुके हैं, कुछ दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो नींबू है ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी की वैरायटी है, ये नींबू आजकल मार्केट में नई वैरायटी आई है उसका है, इसका छिलका इतना बारीक होता है कि ये छिलका भी आप सेवन कर सकते हैं, मतलब छिलका भी आप यूज कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर आजकल जो मुरब्बे हो गए या फिर चटनी हो गई इस तरह की उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये छिलके से ही यूज़ होता है। तो ये नया वैरायटी का नींबू है और प्लांट भी काफ़ी कॉस्टली मुझे मिला था, लगभग ये 200-250 रुपए का प्लांट मुझे मिला था। वैरायटी अच्छी है इस वजह से, और मैं पिछले साल लेके आया था इसको तो। और दूसरी चीज़ खास बात ये है कि ये 12 महीने इस पर फल आते हैं, अभी ये लग रहे हैं, ये मैं जैसे ही हार्वेस्ट कर लूँगा तो उसके बाद फिर इस पर नई फ्लावरिंग आ जाएगी और फ्लावरिंग के साथ ही फ्रूटिंग भी आ जाएगी। अब ये देखिए, ये आपको दिख भी रहा होगा, एक ये छोटा सा ये लेमन ये आ भी चुका है इस पर, और ये देखिए। तो इस तरह से अब मैं मेन बात बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनसे ये रिजल्ट मुझे मिला है। तो ये वो दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे जो लेमन है इस पर इतने लेमन आए हैं पौधे पर। एक तो है सबसे पहले गाय के गोबर की खाद 2 साल पुरानी, और इसके साथ है ये वुड एश, कमाल की चीज़ है अगर आप इसको गार्डनिंग में यूज करते हैं।
वुड एस मतलब सिंपल सी आप बोलिए कि लकड़ी की राख, लकड़ी जलने के बाद जो राख बच जाती है वो है ये, बहुत ही कमाल की। इसका यूज़ हम कई तरह से कर सकते हैं, ये फ्लावरिंग में मदद करता है, ये फ्रूटिंग में मदद करता है, ये अगर आपको फंगस लगी पौधे में तो उसमें भी ये मदद करता है, अगर आपके पौधे की मिट्टी को कंडीशनिंग करना हो तो उसमें भी मदद करता है, मतलब बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो इसी के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई थी जब यूज़ किया था। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि एफिड्स और माइट्स अगर आपकी वेजिटेबल्स में या किसी प्लांट में लग जाते हैं तो उन पे भी ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। और इसको आप छिड़काव कर सकते हैं, इसका सूखे ही ऐसे छिड़क सकते हैं सूखे को ही, तो ये एफिड्स और माइट में बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो ये दो चीज़ें थी जिनका प्रयोग करके मैंने इतना सारा जो ये बेहतरीन नींबू पाए हैं, रिजल्ट आपके सामने। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और आप भी यूज़ करके देखिए, आपको भी रिजल्ट का पता लगेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।